बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आज आपने देखा कि यहाँ पर रब्बानी खताती मरकज में मोहतरम बिलाल कातिब साहब जो के मालेगांव शहर के कोरोना मश और बहुत ही बेहतरीन फन लिए हुए अपने दस्त हुनर में जो एक नागहानी सूरत हाल से जो है वो गुजर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
आज जो है वो मालेगांव शहर में पूरे इज्जत वकार के साथ वापस जो है वो अपने लोगों में, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ और अपने पूरे रिश्तेदारों हवेश अकारीब के साथ जो है वो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। और हमारी खुशी व मुसर्रत की इंतहा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो रब्बानी खत्ताती मरकज की जीनत को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखा किस अंदाज से उन्होंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो है वो अपने हाथों से यहाँ पर तहरीर किया। मैं मोहतरम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहतरम गुल अय्यूबी साहब, मारूफ मुनफरिद खत्तात हैं, और मोहतरम फौजान जियार साहब भी जो है यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं फौजान भैया से भी गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम आप यहाँ तशरीफ ले आए, और गुल अय्यूबी साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम आप दोनों साहबान जो है हमारे बिलाल कातिब साहब का साथ दें और यहाँ पर तशरीफ ले आए। मैं यहाँ पर सबसे पहले मोहतरम बिलाल कातिब साहब से जानना चाहूँगा कि आप जो है वो रब्बानी खत्ताती मरकज पर आए और यहाँ पर बच्चों का जो है वो आपने वर्क देखा, उनका काम देखा, उनकी तहरीरों को आपने देखा, कुछ बच्चे उर्दू लिख रहे हैं, कुछ इंग्लिश, कुछ मराठी, कुछ अरबी, तो आपने क्या महसूस किया वो जरा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के आज भी मतलब इस शहर में उर्दू जिंदा है और बच्चे इस उम्र में उसके लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं और आपकी मसाई जमीला माशाल्लाह अल्लाह सबको और इस सिलसिले को हम चाहते हैं कि मुसलसल इसी तरह पता नहीं और कामयाब रहे और बच्चों को बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने जिस तरह से भी कोशिश की है और जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं तो क्या इन्हें मजीद आगे इस तरह से कोशिश को जारी रखना है तो संसद कोशिश क्या बात मेहनत। देखो बच्चों आपके सामने जो है ये मारूफ खत्तात बिलाल कातिब साहब ने अपने पन का भी मुजाहरा किया और आपसे मुखातिब भी है कि आप मेहनत को जारी रखें, मेहनत से जी ना चुराएं, एक ना एक दिन आप भी इसी तरह से जो है अपने फन को पेश कर सकेंगे आवाम के सामने। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है फौजान जियार साहब, गुलाम रसूल आशिफ साहब के साहबजादे हैं और जियार एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ मालेगांव शहर, न सिर्फ ताल्लुकों में, न सिर्फ जिले सतह पर बल्कि रियासती सतह पर अपनी इंफरादियत के साथ और अपने बेहतरीन फनकारों के साथ जो है वो जाना जाता है, माना जाता है, लोग दूर दूर से आते हैं। शादी कार्ड का मामला हो चाहे दावत नामों का मामला हो उसी के रुए रवा है मोहतरम फौजान जियार साहब। मैं चाहूँगा फौजान भैया कि आप भी जो है हमारे नाज़रीन के रूबरू हो जाएं और कुछ अपने नायाब अल्फाज जो है वो हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें कि आपने क्या महसूस किया यहाँ रब्बानी खत्ताती मरकज में आकर और ये बच्चों की तहरीरों को देख कर। बच्चों ये अपने आप में बहुत एक ऐसा फन है जो सिर्फ पाक भाषाओं में मिलता है मेरे नजर। माशा क्या आप लोग लगे रहो, आप लोग बहुत पाक लोग और अलग अलग लोगों को भूल रहे इंतहाई कमको शख्सियत के मालिक है, अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं फौजान जियार साहब। और आपने देखा कि सिर्फ दो जुमलों में उन्होंने बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात कह दी है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो चीज जो फन को सीख रहे हैं इसे मुसलसल जारी रखें। गुल अय्यूबी साहब हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इन मुअज्जज मेहमानान के साथ ये भी हाजिर हैं। आइए हम इन्हें भी समाअत करते हैं कि इनके मलफूजात क्या कहते हैं रब्बानी खत्ताती मरकज के ताल्लुक से। रब्बानी खत्ताती मरकज तो रोज रोशन की तरह आया है इसका नाम और काम, और यहाँ पर रोज रोशन की तरह मुनव्वर शख्सियात भी आते हैं और उनके रोशन रोशन कलमात से हमारे तलबा न सिर्फ महजूज होते हैं, मुस्तफीद होते हैं, मुस्तफीद भी होते हैं और सीखते भी हैं और आइंदा के लिए इनकी मालूमात को जमा रखते हैं कि जब ये आगे बढ़ेंगे तो ये तमाम मालूमात जो आज के लिए भी हैं और आइंदा के लिए भी हैं इनके ज़िंदगी में काम आएगी, ऐसे तमाम जो है मुफीद मशवरे जो यहाँ पर आने वाली तमाम शख्सियात अपने अपने अल्फाज में बयान करती है। जनाब फौजान जियार साहब ने जो इंतहाई मुख्तसर बोलते हैं और इतना अच्छा बोलते हैं और मुझे तो यकीन था कि इससे भी मुख्तसर बोले कि आज ये पहली मरतबा जो है खुल खुल कर बोले हैं और पाकबाज लोगों के लिए और अच्छे लोगों के लिए। वाकई ये जिनको अल्लाह कबूल करता है वो पाक ही लोग होते हैं और जिनसे काम लेता है वो पाक लोग ही होते हैं और आप तमाम लोग भी उन्हीं पाकीज़ा अशफाक में आइंदा शामिल होंगे और उसकी इब्तिदा आज हो चुकी है। तो हमारी दुआएं हैं
और हमारी नेक ख्वाहिशात हैं मेरी भी जो हमारे बिलाल भाई की और फौजान भाई की कि ये अदारा ये काम ये फन और ये बच्चे जो है हमेशा इस फन को लेकर तरक्की याफ्ता रहें तरक्की पदीर रहें और यहाँ तक के अपने एक खास उम्र के बाद ये दूसरे तलबा को भी सिखाएं अपने घर में भी सिखाएं क्योंकि नफ़ा पहुंचाने वाले इल्म को अल्लाह बाकी रखता है और हज़रत अली का कौल है कि अपने बच्चों को किताबत सिखाओ हज़रत अली का कौल है तो अगर हम ये काम सीखते हैं चार पेशे अफजल हैं मैंने पढ़ा है कि चार पेशे अफजल हैं जिसमें पहला है तजारत वसल्लम ने खुद की दूसरा है तालीम व तरबियत और तीसरे नंबर पर एक है किताबत है ना और चौथे नंबर पर है तबावत ये चार पेशे अफजल हैं तो हम इस तीसरे पेशे से मुतालिक हैं कि किताबत को सीखना चाहिए अगर हम अच्छा लिखने वाले बनने चाहें जैसा कि शेख कादी रहमतुल्लाह अलैह अगर अच्छा लिखने वाला बनना चाहता है तो लिखता रहे और लिखता रहे और लिखता ही रहे क्या बात तो हज़रत सादी का भी यही कौल है मतलब कसरत से लिखना मुसलसल लिखना दूध नवीस होना ये खुशकती के लिए बहुत ज़रूरी है इससे हमारी तरबियत होती है हमारा कलम हमारे काबू में आ जाता है हमारे हरूफ हमारे मन के मुताबिक बनने लायक हो जाते हैं और यहाँ तक के हम अच्छी खासी कुदरत रखते हुए एक माहिर खत्तात की हैसियत से आइंदा सामने आते हैं आप लोग भी सामने आएंगे एक ऐसा दौर रहेगा कि जब हमारे बाद के दौर में आप ही लोग आगे रहेंगे और इंशाल्लाह आप लोग इसमें कामयाब रहें यही हमारी दुआएं हैं हम सब की दुआएं हैं क्या मिला तो इन्हीं तमाम नए ख्वाहिशात के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ बहुत शुक्रिया मैं इन तमाम हजरात का दिल की अमी गहराइयों से अमी के दिल से मैं इन तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस खाकसार को इस अजना सा जो रब्बानी खत्ताती मरकज है इसे बेकार बख्शा है आज अपने कदमों को यहाँ लाकर मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और विदा चाहूँगा शुक्रिया खुदा बारगाह खुदावंदी में एक हमदिया कलाम हाजिर खिदमत है दिन सी हर रौनक बाम दर किसकी 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 है शहर सब में ये कुए सहर किसकी है शहर सब में ये कुए सहर किसकी है महकी हूँ वीर गुदर किसकी है महकी हूँ वीर गुदर किसकी है महकी हूँ वीर गुदर किसकी है एक खुशबू मेरी हम सफर किसकी है एक खुशबू मेरी हम सफर किसकी है और ये जो लम्हा बलम्हा मेरे साथ है 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 हर नजर से पर एक नजर किसकी है हर नजर से पर एक नजर किसकी है और मेरी हस्ती तो थी एक सादा वरक मेरी हस्ती तो थी एक सादा वरक मेरी हस्ती तो थी एक सादा वरक इस पे तहरीर मौजिज असर किसकी है इस पे तहरीर मौजिज असर किसकी है शहर सब में ये कुए सहर किसकी है कौन मंजर बा मंजर है छाया हुआ कौन मंजर ब मंजर है छाया हुआ कौन मंजर ब मंजर है छाया हुआ एक कशिश हर तरफ मुंतशर किसकी है एक कशिश हर तरफ मुंतशर किसकी है अलंग शाखों ने की
जेब तन खिल अते नंगी शाह होने की जेब तन खिल अते नंगी शाह होने की जेब तन खिल अते ये इनायत शजर दर शजर किसकी है ये इनायत शजर दर शजर किसकी है शहर शब में ये कुए सहर किसकी है पल में स्वाले को जो आईना कर गई पल में स्वाले को जो आईना कर गई पल में स्वाले को जो आईना कर गई गैरत शीशा गर वो नजर किसकी है गैरत शीशा गर वो नजर किसकी है शहर सब में ये कुए सहर किसकी है। नाते पाक पेश हो रही दरबार बादशाह दरबार बादशाह दरबार बादशाह रिसालत है क्या लिखूं दरबार बादशाह रिसालत है क्या लिखूं हद अदब अजीब खशियत है क्या लिखूं हद अदब अजीब और शाया निशान रहमत आलम कलम कहां शायान शान रहमत आलम कलम कहां शायान शान रहमत आलम कलम कहां मकसूद मद है मोहसिन खिलकत है क्या लिखूं दरबार बादशाह और हर लफ्ज मेरा शबनम मौहूम की तरह हर लफ्ज मेरा शबनम मौहूम की तरह हर लफ्ज मेरा शबनम मौहूम की तरह पेशे निगाह मेरे हिदायत है क्या लिखूं हद अदब और आजिज है जिसके सामने मौजिज बयान भी आजिज है जिसके सामने मौजिज बयान भी आजिज है जिसके सामने मौजिज बयान भी उनके सुखन में कैसी बलागत है क्या लिखूं उनके सुखन में कैसी बलागत है क्या लिखूं हद अदब अजीब और सुल्तान अंबिया है वो सरकार दो जहां सुल्तान अंबिया है वो सरकार दो जहां सुल्तान अंबिया है वो सरकार दो जहां कितनी वसी उनकी हुकूमत है क्या लिखूं कितनी वसी उनकी हुकूमत है क्या लिखूं हद अदब अजीब और पूछो अवैस करनी से पूछो बिलाल से पूछो अवैस करनी से पूछो बिलाल से पूछो
अवैस करनी से पूछो बिलाल से, क्या इश्क़े मुस्तफाई में लज्जत है क्या लिखूं, क्या इश्क़े मुस्तफाई में लज्जत है क्या लिखूं, हद्दे अदब अजीब खशियत है क्या लिखूं, हद्दे अदब। और कहने को नाम ले बाहू तैबा के चांद का, कहने को नाम ले बाहू तैबा के चांद का, और हर सांस वक्फ़े ज़ुल्मत गफलत है क्या लिखूं, हर सांस वक्फ़े ज़ुल्मत गफलत है क्या लिखूं, हद्दे अदब अजीब खशियत है क्या लिखूं, और साले अदा हो किससे भला हक नाते पार, साले अदा हो किससे भला हक नाते पार, साले अदा हो किससे भला हक नाते पार, कुरान सारा आपकी सीरत है क्या लिखूं, कुरान सारा आपकी सीरत है क्या लिखूं, दरबार बादशाह रिसालत है क्या लिखूं, हद्दे अदब अजीब खशियत है क्या लिखूं, हद्दे अदब। जो उनकी मोहब्बत से खाली हो सीना, जो उनकी मोहब्बत, जो उनकी मोहब्बत से खाली हो सीना, जो उनकी मोहब्बत से खाली हो सीना, तो सब कुछ हो लेकिन है बेकार जीना, तो सब कुछ हो लेकिन वही है वही कसर जन्नत कजीना, वही है वही, वही है वही कसर जन्नत कजीना, वही है वही कसर जन्नत कजीना, जिसे लोग कहते है राहे मदीना, जिसे लोग कहते है राहे मदीना, जो उनकी मोहब्बत। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।